नमस्कार, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जामपुर एक्सप्रेस 365 डेली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज इस 1st of September के एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर सीरीज में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ आज के टॉप इम्पोर्टेंट न्यूज को लेकर के। तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, प्लीज सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें, रिप्लाई करें। And I request you all to please quickly share the session with your friends as well. Welcome Krishna Chandra, then we have Rohit Chauhan, Kittu Parmar, then we have Shaz Bhosle, then we have Nilesh Kumar. Jai Hind dosto, namaskar saathiyon, aur aap sabho ka bahut bahut swagat hai aaj ke is important current affairs session mein Express 365. Ek baar sabhi bachche mujhe quickly join kare ताकि आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को, आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकूं। सभी बच्चे कैसे हो आप सब, और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हाँ जी बच्चों, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन, मुझे बताइएगा जरूर सभी लोग कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मजा आ रहा है सेशन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैंने कल दो डिफेंस बुलेटिन अपलोड किए होंगे, दो नहीं एक किया होगा, कल किया होगा आपको मैंने आर्मी के रैंक्स के ऊपर और सैलरी के ऊपर, कि जैसे जैसे रैंक्स बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी में चेंजेस आते हैं। फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा प्रमोशन के ऊपर। ये जेनरिक सेशंस भी आप लोग प्लीज देखते रहिए ताकि आप थोड़ा सा एनर्जाइज रहे डिफेंस सर्विसेज के लिए। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपके लिए डेली बेसिस पे बना रहा हूँ ताकि आपको डिफेंस की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू विशाल विश्वजीत, देन वी हैव पूनम लोधी, आदित्य प्रताप सिंह, शुभम शर्मा, अंकित, मोस्ट वेलकम टू द प्रफुल पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग प्रफुल रॉय, सॉरी, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। चलो, आज का सबसे पहला सवाल ये है, अवनी लेखारा हैज मेड इंडिया प्राउड बाई विनिंग द गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स 2020 जो कि टोक्यो में चल रहा है, Which game is she associated with? अवनी लिखारा ने पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? हाई जंप, शूटिंग, टेबल टेनिस या फिर डिस्कस थ्रो? एक बार सभी लोग मुझे बताओ। कल हमने डिस्कस किया था कि 19 वर्षीय 19 ईयर्स ओल्ड जिनका ये डेब्यू है, जिनका ये पहला पैरालंपिक है, इसमें वो शिरकत कर रही है, भाग ले रही है, और वो डेब्यू में ही गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली वुमेन एथलीट बन गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। एंड सीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ शूटिंग 10 मीटर राइफल, ये आपको ध्यान रखना है, 10 मीटर राइफल कैटेगरी से आती है। बिल्कुल सही कहा अंकित आपने, 10 मीटर राइफल से। और आज भी हमारे न्यूज में पैरालंपिक्स को डोमिनेट किया गया है। आज भी मैंने जो न्यूज रखे हैं उससे पैरालंपिक्स से रिलेटेड बहुत सारी खबरें होंगी आपके लिए। चलिए अगला सवाल ये है, हु हैज वोन द सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट इन द पैरालंपिक्स? पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट, निषाद कुमार, साक्षी मलिक, सुंदर सिंह गुर्जर या संदीप चौधरी? प्लीज गो फॉर इट। सूरज तिवारी, पैरालंपिक्स बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो डिफरेंटली एबल्ड है, या हम कह सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए होता है ये कैटेगरी। तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर मेडल किसने जीना है, तो बताओगे निषाद कुमार ने, और ये कहां से है? ऊना हिमाचल प्रदेश से, जो मैंने कल बताया था आपको, और इन्होंने बहुत अच्छी छलांग लगाई थी। किसने? निषाद कुमार ने। तो कल हमने अवनी के बारे में डिस्कस किया था, देन वी हैव बाबनी पटेल के बारे में भी डिस्कस किया था कल हम लोगों ने। चलिए अगला सवाल आपका ये है कि विच मेडल हैज बीन बैक्ड बाय विनोद कुमार, विच मेडल हैज बीन बैक्ड बाय विनोद कुमार क्लिंच्ड इन द मेंस डिस्कस थ्रो F52 इवेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स? विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F52 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये खुद बता दूं मैं आपको कि BSF के जवान रह चुके हैं, इनके फादर ऑलरेडी सर्व कर चुके थे आर्मी में, लेकिन अपने प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने अपने बॉडी को इंजर्ड कर लिया, फिर 10 ईयर्स तक ये बिल्कुल बेड पर थे, फिर इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया और फिर इन्होंने
भारत के लिए आज एक प्राउड मोमेंट लेकर के आए हैं, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने जीता है किस चीज को, तो आप बताओगे डिस्कस थ्रो में भारत को क्या मिला है, तो आप क्या बताओगे ब्रॉन्ज। क्या मिला है हम लोगों ने इसमें भारत को? ब्रॉन्ज मेडल। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ब्रॉन्ज मेडल। अगला सवाल ये है, टू विच कंट्री हैज बबीना पटेल लॉस्ट एंड बैक द सिल्वर मेडल इन द टेबल टेनिस पैरालंपिक्स गेम्स। टेबल टेनिस पैरालंपिक खेलों में भावना पटेल किस देश से हारकर रजत पदक जीत चुकी हैं? ये भी एक अलग लेवल है क्वेश्चन का, कि कभी कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। सूरज तिवारी क्या प्रॉब्लम है आपको बेटा, बार बार क्या डाल रहे हो? अच्छा आपने पूछा पारा स्पेशल फोर्स कैसे ज्वाइन करें और उनके बारे में ब्रीफली बताइएगा प्लीज। मैं बताऊंगा अभी, प्लीज आप आज के सेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। सूरज तिवारी प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन टूडेज क्लास, आई एम टीचिंग द करेंट अफेयर्स एज ऑफ नाउ। तो हम लोग एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस कर ले। देखो आदित्य प्रताप सिंह ने आपको गाइड कर दिया, तो प्लीज थोड़ा बेटा क्लास पे फोकस कर लो, ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। तो टू विच कंट्री हैज बबीना पटेल लॉस्ट एंड बैक सिल्वर मेडल इन द टेबल टेनिस पैरालंपिक गेम्स? तो आप बताओगे वो चीन से हारी थी, ठीक है ना, चीन की जो खिलाड़ी है उनसे हारी थी और उनसे हारने के बाद उन्हें सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है ना। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि उस चीनी खिलाड़ी का नाम क्या था जिससे कि बबीना पटेल हारी थी? कैन एनी वन टेल मी अबाउट द नेम नेम ऑफ दैट प्लेयर? कोई भी बंदा जो यहाँ पे लाइव है जो मुझे बता सकता है उस खिलाड़ी का नाम जिससे भावना पटेल हार गई थी, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। एनीवन हु कैन रिप्लाई टू मी, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द नेम ऑफ दैट चाइनीज प्लेयर टू हुम भावना पटेल लॉस्ट? एनीवन हु इज लाइव इन द ऑन दिस सेशन, अ वेरी गुड मॉर्निंग गौरव, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, वर्ल्ड नंबर वन जो है झाओ विंग, झाओ इंग, वर्ल्ड नंबर वन फ्रॉम चाइना, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल हमारा ये है आज का, द नाइन डैश लाइन is claimed by which country in its sea? Nine dash line का दावा किस देश द्वारा अपने समुद्र में किया जाता है? वियतनाम के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा, चीन के द्वारा या इंडोनेशिया के द्वारा? ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल उन्होंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो नाइन डैश लाइन है जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उसके साथ ये मेल नहीं खाती, उसके साथ ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, पर उसके बावजूद वो ये कंट्री जो है वो दावा कर रही है उस सारे साउथ चाइना सी के एरिया में, और ये कौन है? चाइना। और इसमें कहीं ना, और आपको बताया मैंने कल बताया था कि $5 ट्रिलियन के वैल्यू की जो ट्रेडिंग होती है इंडिया की वो इसी साउथ चाइना सी से होती है, जिसमें चाइना कह रहा है कि किसी भी कमर्शियल या नॉन कमर्शियल शिप जब पास करेगी यहां से तो उसके लिए परमिशन लेना, उसके बारे में इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं चाइना इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया को हैम्पर करना चाहता है, इंडिया के ट्रेड को हैम्पर करना चाहता है, क्योंकि तो आपको पता है कि अभी अफगानिस्तान की जो क्राइसिस हुई है उसमें चाइना और पाकिस्तान का मेजर रोल है, इनफैक्ट रशिया भी इन्वॉल्व है। और आप जब अमेरिका ने अपने फोर्सेस को कल कंप्लीटली पुल अवे कर लिया अफगानिस्तान से, तो आप देखना चाइना और रशिया को दूर रखने के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका अब एक दोहरी नीति अपनाएगा। और आप देखना जो बाइडेन गवर्नमेंट है, मैं आपको आज बोल रहा हूँ ये बात कि जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है ये आप देखना आने वाले टाइम में पाकिस्तान के साथ जरूर पैक्ट करेगी, समझौता करेगी, क्योंकि उसको चीन और रशिया दोनों को अफगानिस्तान से दूर रखना है, ठीक है ना। आप देखना इस बात को और आप मुझे बताना कि मैंने ये बात बोली थी आपको। चलिए अगला सवाल ये है, आज का अगला क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह। जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ये पेट्रोल वेसल है विग्रह, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इट कैन अटेन A sustained speed of 62 knots. क्या ये स्टेटमेंट सही है? It is armed with a 40x60 Bofors gun and fitted with two 12.7 mm stabilized remote control gun with fire control system. ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो विग्रह है
उसके बारे में ये दो स्टेटमेंट दिए गए, आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने कल बताया था कि जो इसकी सस्टेन्ड स्पीड है वो 62 नॉट्स नहीं है बल्कि कितनी है, 26 नॉट्स है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इट्स ओनली टू। एक बार सभी लोग जो लाइव हो बेटा प्लीज एक बार सेशन को प्रमोट कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो जितने लोग लाइव हो। चलिए अगला सवाल ये है, ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया, हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं। और ये बेसिकली मनाया जाता है एज अ बर्थ, मतलब किसके कॉमेमोरेट करने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद हैं, ठीक है ना, उनके जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य मनाते हैं हम, और ये डेडिकेट किया गया है 3 times कॉन्टिन्यूसली, जिन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड जिलाया 1928, 1932 और 1936। ये तीनों ही ओलंपिक्स में लगातार भारत को गोल्ड दिलाने में ये जो मैजिशियन थे हॉकी के, इनका सबसे बड़ा योगदान है। एंड 29th of August को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR इज इन विच इंडियन स्टेट, ये जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है ये भारत के किस राज्य में है, असम में, वेस्ट बंगाल में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में। ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है या जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है ये पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में है, असम में, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में। ये इसलिए चर्चाओं में है, कल मैंने आपको एक वन लाइनर में बताया था कि 1966 से लगातार जो लोग डिस्प्लेस किए जा रहे हैं उनके रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है इस बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में, और ये है कहाँ पे, असम। वैसे भी आपको ध्यान रखना है बोडो जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, जो कि एक संवैधानिक भाषा है हमारे पार्ट 17 में, भाग किसमें तो आप बताओगे 17, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अनुसूची जो शेड्यूल 8वीं है, ठीक है ना। इसमें हमारी जो संवैधानिक भाषा है वो क्या है, बोडो है, और बोडो भाषा कहाँ की है, असम की, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोगों का आज का ये है कि विच मिनिस्ट्री हैज प्लान टू ऑर्गेनाइज एंड सेलिब्रेट थीमेटिक पोषण माह इन सितंबर 2021, किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में विषयगत पोषण माह आयोजित करने और मनाने की योजना बनाई है। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो मॉल नरिशमेंट है या कुपोषण है वो सबसे अधिक बच्चों और महिलाओं के बीच में है, और इंडिया में जो पॉवर्टी की रेशियो है, जो गरीबी का अनुपात है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों के पास डेली बेसिक मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो कि रिकमेंडेड है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, उस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ये फुलफिल नहीं कर पाते। यानी कि लोगों को, बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त भोजन पहुंचाने के लिए ये पोषण माह जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, डॉक्टर स्मृति ईरानी, ये आपको पता है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन हिट बाय द ईदा स्टॉर्म, ये जो हाल ही में कौन सा देश ईदा तूफान की चपेट में आया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना और ईरान। मैं बता दूं कि जो लुइजियाना प्रोविंस है, जो लुइजियाना प्रांत है, ये हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा तबाही मची है इस चक्रवात से, इस तूफान से, इसका नाम क्या है, ईडा। इसको साइक्लोन तो नहीं कह सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफून कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, टाइफून है या हरिकेन है या साइक्लोन है, क्या बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ईडा क्या है, टाइफून है, हरिकेन है या साइक्लोन है, आप हमेशा ध्यान रखना कि साइक्लोन जब भी हिट करेगा तो कौन से एरिया में, इंडियन ओशन के एरिया में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अभी तक यूएसए का सबसे हार्डेस्ट हिट, सबसे ज्यादा हिट जो है ये है, ठीक है ना। टाइफून हमेशा कहाँ पे आता है, तो आप बताओगे दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में। और हरिकेन जो है ये कहाँ पर आएगा, तो आप बताओगे जो पैसिफिक का एरिया, और यूएसए कहाँ पर है, पैसिफिक के पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, हरिकेन, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब सबसे पहला न्यूज आज का, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए, एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, सुमित अंतिल, आपने नाम सुना होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है इस न्यूज को, कि भारत के पैरालंपिक 2020 में जो टोक्यो में आयोजित की जा रही है उसमें सुमित अंतिल ने जीता है स्वर्ण पदक।
और इन्होंने किस कैटेगरी में जीती है, जेवलिन थ्रो। भाई फेंकने में हम लोग सबसे आगे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा नीरज चोपड़ा फेंक करके आए, और उसके बाद बहुत सारे जेवलिन थ्रोअर ने लगातार इसमें अपने प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है, भारत की प्रतिष्ठा को, ठीक है ना। और इन्होंने खुद के ही विश्व रिकॉर्ड को, वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो सुमित एंटिल ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्राइस विद थ्री ऑफ हिज सिक्स जेवलिन थ्रोज इन द फाइनल ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक्स। तो सुमित एंटिल ने टोक्यो पैरालंपिक के फाइनल में अपने छह बाला फेंकने में से तीन बार विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, मतलब छह बार उन्होंने फेंका, उसमें से तीन बार उन्होंने खुद के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। और इन्होंने जिस कैटेगरी में जीती है सुमित एंटिल ने, ये एक पैर से, इनका एक पांव बिल्कुल खराब हो चुका है, तो वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा करके तब ये दौड़ते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में। तो और अभी प्रेजेंटली ये वर्ल्ड के नंबर वन, वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पे है F64 कैटेगरी में। और F64 कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें जो एथलीट होते हैं वो एक पांव से बेकार होते हैं, मतलब उनका एक पांव काम नहीं करता। तो सुमित एंटिल ने जीता है इंडिया के लिए दूसरा गोल्ड इस टोक्यो पैरालंपिक्स में, ठीक है ना, और पहला एथलेटिक कैटेगरी में इन्होंने दूसरा जीता है। और क्योंकि जो शूटिंग है उसमें ऑलरेडी गोल्ड हम जीत चुके हैं, ठीक है ना, और एथलीट्स में ये पहला गोल्ड है, और भारत के लिए ओवरऑल सेकेंड गोल्ड है टोक्यो पैरालंपिक्स में। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल ब्यूरिन ने, और श्रीलंका के, ध्यान रखना आपको, दुलन कोडीथुवाकू ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है। तो जो गोल्ड इंडिया के पास आया है, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया के पास गई है, और ब्रॉन्ज श्रीलंका के पास गई है। F64 कैटेगरी ऐसे एथलीट्स के लिए होते हैं जो लेग एम्प्यूट होते हैं, यानी कि एक पैर के विच्छेदन वाले एथलीट के लिए F64 कैटेगरी होते हैं, जो एक पैर से आप कह सकते हो डिसेबल्ड होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए F64 कैटेगरीज है। हु कम्पीट विद द प्रोस्थेटिक्स इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, जो खड़े होने के लिए स्थिति में प्रोस्थेटिक के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रोस्थेटिक्स क्या है, एक आर्टिफिशियल लिम्ब है जिसको ये लगाते हैं। सुमित जो है खुद एक पहले कुश्तीबाज थे, रेसलर थे, बट एक एक्सीडेंट हुआ 2015 में जिसने उनके जीवन को बिल्कुल झकझोर के रख दिया और बिल्कुल उनको उस खेल से बाहर कर दिया। लेकिन इस 2015 के एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा, और रेसलिंग तो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स के स्पिरिट को बनाए रखा और वो खेलते रहे। उन्होंने F64 जेवलिन थ्रो कैटेगरी में 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि दुबई में हुई थी, वहां पे सिल्वर मेडल भी जीता था। तो इस 2020 के पैरालंपिक से पहले 2019 के आप कहते तो जेवलिन थ्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि दुबई में आयोजित की गई थी F64 कैटेगरी में, इन्होंने ऑलरेडी सिल्वर जीत रखा था। और इस सिल्वर को उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया है, तो आप बताओगे गोल्ड में कन्वर्ट किया है। चलिए अब अगला नाम आता है देवेंद्र झाझरिया का। ये वही देवेंद्र झाझरिया है जिनको इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न चली जाती थी, और उस राजीव गांधी खेल रत्न को हम लोगों ने अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वही देवेंद्र झाझरिया है जो ऑलरेडी भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार सम्मानित है। ये फिर एक बार चर्चाओं में है, देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको कवर किया है मिंट ने। ये न्यूज भी आप तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी पैरालंपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये डोमिनेट करेंगे। तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने किस चीज को, ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। तो इंडिया के जो देवेंद्र झाझरिया है और सुंदर सिंह गुर्जर है, उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। झाझरिया जी ने सिल्वर और सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज, ठीक है ना। मेन्स जेवलिन थ्रो F46 इवेंट इन द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स। मैंने क्या कहा, हम लोग फेंकने में बिल्कुल आगे जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने फेंकने की शुरुआत की और लगातार आप देख रहे हो कि एक के बाद एक हम लोग, अभी सुमित एंटिल ने जीता, फिर अभी देवेंद्र झाझरिया ने जीता, सुंदर सिंह गुर्जर, ये सब लोग भाला फेंक प्रतियोगिता में पूरी तरीके से छा रहे हैं, ठीक है ना। तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता है विद अ पर्सनल बेस्ट थ्रो ऑफ 64.35। इनका जो थ्रो था वो 64.35 मीटर्स का था। दिस वॉज ऑल्सो हिज थर्ड मेडल, उनका तीसरा पदक है पैरालंपिक गेम्स में। इसके अलावा जो सुंदर गुर्जर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है अपने इस साल के सबसे बेस्ट थ्रो के साथ। जो दिनेश प्रियन हेराथ मुदिया सेलेज ने, जो कि श्रीलंका के हैं, इनको गोल्ड मेडल जीता है इसी F46 कैटेगरी में, बाई शैटरिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ हिज मॉन्स्ट्रस थ्रो 67.79 मीटर। और ये जो प्रतियोगिता है, इसमें
ये जो कैटेगरी है F46 वाली, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर जीता है, इसमें गोल्ड जीता है किसने? श्रीलंका के दिनेश प्रियन हेराथ मुदिया सेलेज ने, दिनेश प्रियन हेराथ मुदिया सेलेज, जिसने कितना 67.79 मीटर थ्रो किया था, और झाझड़िया ने कितना थ्रो किया था 64.35 मीटर। तो इन दोनों का कॉम्पिटिशन ध्यान रखना आप लोग कि गोल्ड किसने जीता है और सिल्वर। कभी कभी कंट्री पूछ सकते हैं आपसे कि किस कंट्री के एथलीट ने गोल्ड और किस कंट्री के एथलीट ने सिल्वर जीता है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, जितने लोग लाइव हो, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद क्यूबा के वरोना गोंजालेज ने यहाँ पे क्या है तो आप बताओ, एक कॉन्टिनेंटल रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जेवलिन थ्रो में एक के बाद एक पदक आ रहे हैं पैरालंपिक्स में, और ये जो F46 कैटेगरी है ये उन एथलीट्स के लिए है जिनके पास आर्म डेफिशिएंसी होती है। देखो मैंने अभी दो चीज बताई हैं, F64 वो कैटेगरी है जिसमें लेग डेफिशिएंसी होगी, ठीक है ना, और इसका उल्टा अगर कर दोगे F46 इसमें क्या होती है तो बताओगे आर्म डेफिशिएंसी होती है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो लोग इम्पेयर्ड होते हैं किस चीज से, लेग से, उनके लिए F64 है जिसमें सुमित एंटिल ने जीता है, और F46 में दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, देवेंद्र झाझड़िया का, और दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको किस चीज का तो आप बताओगे सुंदर सिंह गुर्जर का, ठीक है ना, सुंदर सिंह गुर्जर का। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें और रिप्लाई करें, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, योगेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीता था, और आज उसी डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर जीत लिया है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, यही हमें प्रूव करके दिखाता है कि जीवन थम नहीं सकती जब तक हम अपने इरादे को खुद खत्म न कर लें। तो जब तक आपके जीवन में इरादे हैं, जब तक आपके पास ड्रीम्स हैं, जब तक आपके पास अच्छे सपने हैं, आप उसको हासिल करने के लिए बिल्कुल हर संभव प्रयास करोगे। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी एग्जाम को देते हो तो आप हमेशा ये मान के चलना कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद न घर वाले, न सोसाइटी, न खुद आप अपने आप को मौका दे पाओगे। और जब आप 100% एफर्ट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जब किसी भी अटेम्प्ट में आप कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस अटेम्प्ट को देते हो, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू विन द बैटल। ऑलवेज थिंक यू आर द बेस्ट। हमेशा इस बात का बिलीव रखो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, और जो कला और जो जज्बा आपके अंदर खुद है वो उसको कोई और कम्पीट नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जब जाएंगे, किसी भी फील्ड में आप जब जाएंगे, तो आपके जज्बे को कोई झकझोर नहीं सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और ये जो पैरालंपिक्स में जितने लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीत करके ला रहे हैं ना, ये ज्यादा सराहनीय है उन लोगों की तुलना में जिनको ईश्वर ने शरीर का हर एक अंग बेहतर तरीके से प्रदान कर रखा है। देखो जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो कहीं ना कहीं डेफिशियंट है, वो लोग इतना कमाल कर रहे हैं, तो हम लोग तो फिर भी सही सलामत है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बस वो जज्बा पैदा करना है, जब वो आग लानी है, एवरी वन हैज गॉट द फायर विद इन इटसेल्फ, द थिंग इज दैट हाउ टू इग्नाइट इट। हम उस चिंगारी को आग में कैसे बदले, ये बहुत जरूरी है। पोटेंशियल सबके पास है, IQ सबकी इक्वल है, द थिंग इज दैट हु कॉन्सेंट्रेट्स एंड सस्टेन वेरी क्विकली, ठीक है ना, हम कैसे सतत प्रयास करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ, आप लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है कहां पे, तो आप बताओगे डिस्कस थ्रो में। तो भारत के योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में, आज चल रहे टोक्यो पैरालंपिक्स में। योगेश कथुनिया ने सेकेंड बेस्ट अटेम्प्ट में, जिसमें इन्होंने 44.38 मीटर तक फेंका था भाला, उसमें जाकर के इन्होंने जीता है किस चीज को, तो आप बताओगे इस रजत पदक को। किसमें? तो आप क्या बताओगे, डिस्कस थ्रो के अंदर। किसमें? डिस्कस थ्रो के अंदर। आपको ध्यान रखना है ये जो योगेश कथुरिया है, ये जो योगेश कथुरिया है, इन्होंने 44.38 मीटर, जो कि छठा और फाइनल अटेम्प्ट था इनका, उसमें इन्होंने इसको फेंका और जाकर के इन्होंने जीत लिया इस पर्टिकुलर सिल्वर मेडल को। और इससे पहले जो ब्राजील के, क्या नाम है इनका, क्लॉडनी बैटिस्टा, क्या नाम है, क्लॉडनी बैटिस्टा, इन्होंने पहले ही इस अटेम्प्ट में इस इंडियन एथलीट को डिथ्रोन कर दिया था। तो ये जो योगेश कठुरिया है जो सिल्वर जीत करके आए हैं, ये किसके कॉम्पिटिशन में हारे हैं, तो ब्राजील के क्लॉडनी बैटिस्टा के। आपको ध्यान रखना है, जो कठुरिया साहब है ये खुद एक आर्मी मैन के बेटे हैं, ठीक है ना, जिनको एक पैरालिटिक अटैक हो गया था 8 साल की उम्र में, ठीक है ना, जिसने इनको पूरी तरीके से इम्पेयर्ड कर दिया, इनके जो लिम्ब्स हैं, ठीक है ना,
इसको पूरी तरीके से बेकार कर दिया था। तो पैराटिक अटैक होने के बावजूद भी आप देखो इस खिलाड़ी का जज्बा कितना बुलंद है। इन्होंने क्लासिफाई किया है F56 कैटेगरी में। एथलीट्स हैव फुल आर्म एंड ट्रंक मसल पावर। पेल्विक स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय सम टू फुल एबिलिटी टू प्रेस द नीज टुगेदर। इन्होंने जिस कैटेगरी में ये सिल्वर जीता है वो कौन सा कैटेगरी है? F56 कैटेगरी है। इसमें एथलीटों के पास पूरी बांह और धर की मांसपेशियों की शक्ति होती है। बांह होता है और धर होता है। कुछ लोगों द्वारा घुटनों को एक साथ दबाने की पूरी क्षमता से पेल्विक सतह प्रदान की जाती है। इन्होंने 2019 के वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी वहां पे ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है ना, जहां पे इन्होंने 42.51 मीटर के थ्रो करने के बाद टोक्यो के लिए अपने दावेदारी को मजबूत कर दी थी। तो देखो दो लोग ऐसे हैं, एक तो आपने देखा यहाँ पे गुर्जर साहब को जिन्होंने ब्रॉन्ज को सिल्वर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट किया है उन्होंने। सुमित एंटीला ने उन्होंने सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट किया था और इन्होंने ब्रॉन्ज को सिल्वर में कन्वर्ट किया है। तो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत होनी चाहिए जो हमें इन पैराथलीटों से सीखने को मिल रही है। चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फॉसिल फ्यूल को लेकर के इन्वायरमेंट के ऊपर से एक न्यूज है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे न्यूज ये रखा गया है कि लेडेड पेट्रोल, जिस पेट्रोल में हम लेड को मिक्स करते थे, और ये जो लेडेड पेट्रोल है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन के रिस्पॉन्सिबल है। जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है UNEP, ये पता है कहाँ पे है आपको? नैरोबी में। नैरोबी में UNEP है जो कि कैपिटल है किसकी, तो आप बताओगे कीनिया की, और ये UN की एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आई बात समझ में? तो लेडेड पेट्रोल के बारे में UNEP का कहना है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि अब आज के टाइम में वर्ल्ड की ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कि लेडेड पेट्रोल को क्या कर रही है, सेल कर रही है। इसको आपको ध्यान रखना है। अल्जीरिया लार्ज कंट्री थी, लास्ट कंट्री थी जिसने भी अब लेडेड पेट्रोल को सेल करने से कंप्लीटली क्या कर दिया, बैन कर दिया है। तो UN एनवायरमेंट प्रोग्राम के रिपोर्ट के हिसाब से जो यूज है लेडेड पेट्रोल का, इसको पूरी तरीके से विश्व से क्या कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे लगभग 1.2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, लगभग 12 लाख जो प्री मेच्योर डेथ्स होते हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको हम बचा सकते हैं $2.4 ट्रिलियन के खर्च से, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इस बात को कहा है कि पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, अब उन्होंने लेडेड पेट्रोल को कंप्लीटली क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, जिससे 1.2 मिलियन से अधिक मौतों को रोका जा सकेगा, और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है इसको, इसमें हम एनुअली सालाना $2.4 ट्रिलियन से अधिक की क्या कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे। 1.2 और 2.4, इसका डबल कर देना आप केवल फिगर को, इसको ध्यान रखना है। लगभग 100 साल के बाद, नियरली अ सेंचुरी आफ्टर डॉक्टर्स फर्स्ट इश्यूड वार्निंग्स अबाउट द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ लेडेड पेट्रोल, अल्जीरिया द लास्ट कंट्री टू यूज द फ्यूल एग्जॉस्टेड इट्स सप्लाईज लास्ट मंथ। ये ध्यान रखना है, सबसे आखिरी कंट्री इस विश्व में जो कि लेडेड पेट्रोल को यूज करती थी और अब उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, वो कौन सी है? अल्जीरिया है। तो लेड वाले पेट्रोल में जो टॉक्सिसिटी है, इसके प्रभाव के बारे में डॉक्टर्स ने पहली बार चेतावनी जारी करने में लगभग 100 साल लगा दिए, और अल्जीरिया जहां ईंधन के रूप में इस लेडेड पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने पिछले ही महीने में इसकी आपूर्ति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये जो सक्सेसफुल इन्फोर्समेंट है, बैन ऑन लेडेड पेट्रोल इज अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड आवर एनवायरमेंट। UNEP ने कहा है कि ये जो लेड वाले पेट्रोल है, इस पर जो सफलतापूर्वक पूरे विश्व में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको सक्सेसफुली हमने पूरे वर्ल्ड में यूज करने पर बैन लगाया, इससे जो ग्लोबल हेल्थ और एनवायरमेंट है, जो वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण है, इस पर एक बड़ा असर पड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को बचा पाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। UNEP जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने इस बात को चेतावनी दी है कि जो फॉसिल फ्यूल का यूजेज है इन जनरल मस्ट स्टिल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू सेव ऑफ द फ्राइटनिंग इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। UNEP ने अब इस बात पर बल दिया है, इस बात पर अब जोर दिया है कि पूरे विश्व को एकजुट होकर के अब कहीं ना कहीं एक फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव फ्यूल पे काम करना चाहिए, यानी कि डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, इसके यूसेज को पूरे विश्व में कम करना जरूरी है, नहीं तो हम आने वाले समय में जो अपने अर्थ का हेल्थ है इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, डेटोरिएट कर देंगे। आपने देखा है कि इस साल अगर आप कंपेयर करो 2021 के जुलाई अगस्त महीने को, तो जितनी बरसात हुई है जुलाई अगस्त में पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में,
जितना फ्लैश फ्लड आया है, जितने लोगों को हीट बढ़ने से मौत हुई है, ये पिछले एक दशक में नहीं हुआ था। तो ये जो ड्रास्टिकल चेंज ऑफ क्लाइमेट है, ये केवल इसलिए है क्योंकि जो कार्बन का एमिशन है ड्यू टू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब तक हम लोग सोलर पावर्ड एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब अल्टरनेटिव्स को यूज करना जरूरी है, तभी जाकर के हम एमिशन ऑफ कार्बन को कम कर सकते हैं। तो अब पूरे आप देखो, जितने भी बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी आप कह सकते हो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल समिट्स होती हैं, उसमें केवल दो चीजों पे सबसे डिस्कशन किया जाता है कि कार्बन के एमिशन को कैसे कम किया जाए और हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे यूज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जो ये है कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूसेज को भी लिमिट इन एनी फॉर्म, एमिशन ऑफ कार्बन इन एनी फॉर्म को क्या करना है, रोकना है, तभी हम एक बेहतर और स्वस्थ पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं। और ये जरूरी है, अगर आपको अपने जनरेशंस के लिए इस अर्थ को आगे लेकर के जाना है, तो ये हमारी आज की जो कर्मा है, ठीक है ना, हमारे आज के कर्मा जो हमारे फ्यूचर को क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और ये केवल एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एडुकेटेड इंडिविजुअल, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, कि हमें भी इसके लिए पहल करनी चाहिए, इसके लिए कदम उठानी चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पार्टिसिपेशन दोनों ओर से जरूरी है। इसलिए सरकार का सहयोग हमें करना चाहिए। आप देखो भारत सरकार अभी क्या ला रही है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रही है, मैंने इस पे भी चर्चा किया है आपको। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्यों ला रही है, ताकि जो फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां हैं उसको हम बाहर निकालें और उसकी जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करें, ताकि एमिशन ऑफ कार्बन को क्या कर सके, कम कर सके। आप देखो इंदौर जैसे सिटीज हैं, बेंगलुरु जैसे सिटी है, दिल्ली जैसा सिटी है, जहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस को हम लोग उतारना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमें फेज आउट करना है डीजल और पेट्रोल वाली कारों को, ठीक है ना, सीएनजी बसेस चल रही है ताकि एमिशन ऑफ कार्बन को कम कर सकें। ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। आप देखो कि दिसंबर जनवरी के महीने में दिल्ली जैसे एरियाज में रहना इतना सफोकेटिंग हो जाता है, क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है ना, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहा है। क्यों? क्योंकि हम आज के लग्जरी को एंजॉय करने के चक्कर में पूरे अर्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। तो ये सभी सही हो सकता है जब हम और आप मिल करके एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसलिए मेरा सब लोगों से, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी रहते हो ना, आपके आसपास में जो भी जगह खाली है, वहां पे एक पौधा जरूर लगाओ, एक प्लांट जरूर लगाओ। ये आप एहसान नहीं करोगे, ये आपका इस धरती माँ के प्रति एक सम्मान होगा। तो प्लीज एक प्लांट तो जरूर आप लोग अपने बर्थडे पे, जब भी आपका जन्मदिन आए, ठीक है ना, आपके रिलेटिव्स का जन्मदिन आए, आपके नियर डियर वर्स का जन्मदिन, तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। आपके एक पौधे लगाने से आप देखो पूरे आसपास में कितनी हरियाली आएगी, इस बात को आप ध्यान रखो। चलिए, यूएनईपी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। इसको ध्यान से रखो कि ये जो यूएनईपी का एक कैंपेन है, एक जो अभियान चलाया गया, इसका नाम है क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स अगेंस्ट लेड पेट्रोल इन 2002। यानी कि ये जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि अल्जीरिया आखिरी कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने लेडेड पेट्रोल को यूज किया है, तो इसके लिए एक कैंपेन चलाया गया था यूएनईपी का, जिसका नाम था पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स लेडेड पेट्रोल के खिलाफ 2002 में। और जितने भी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पावर्स थे उन्होंने ऑलरेडी इस फ्यूल को यूज करना बंद कर दिया था, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना एंड इंडिया, बट द सिचुएशन इन लोअर इनकम नेशंस रिमेन्ड डायर। लेकिन जो कम आमदनी वाले, कम आय वाले देश थे, उसमें सिचुएशन खराब थी, लेकिन अब उन लोगों ने भी इस लेडेड पेट्रोल को यूज करना लगभग क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो यूएनईपी कह रहा है इस बात को कि अब विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो लेड युक्त पेट्रोल को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। मैं क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का जिसको लेकर के मैं यहां पे आया हूं, ये हेल्थ न्यूज है, ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है आपके लिए। वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन ऑन राइस। अब देखो मैं आपको इसका एक समरी दे दूं, ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये कहां से आया, अफ्रीका से। इसकी ओरिजिन अफ्रीका से हुई है और रशिया ने एक रिपोर्ट जारी किया, रशियन गवर्नमेंट ने, वहां के हेल्थ एडवाइजरी ने, कि ये जो वेस्ट नाइल वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके लिए कोई ना वैक्सीनेशन है, इसके लिए ना कोई मेडिसिन है, ठीक है ना। और ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये इसलिए राइज पर है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो ड्रास्टिक चेंज हुई है क्लाइमेट में, जो अर्थ का हमारा टेम्परेचर बदल रहा है, जो विश्व की जलवायु बन रही है, जो पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, तो ये जो वायरस होते हैं ये तब पनपते हैं, ये तब ब्रीड करती है, तब ग्रोथ करती है जब टेम्परेचर माइल्ड हो, जब टेम्परेचर क्या हो, माइल्ड हो और बरसात ज्यादा हो। तो ऐसे कंडीशंस में, बरसात के मौसम में,
जब टेम्परेचर ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो हो, जब माइल्ड टेम्परेचर हो, ऐसी कंडीशंस में ये बहुत तेजी से क्या करती है, फ्लरिश करती है। और ये जो महीना है हमारा अगस्त का जो भी चल रहा है, इसमें पूरे विश्व में जम के वर्षा हो रही है, जिस कारण से टेम्परेचर में कमी आई है। और ये टेम्परेचर सबसे सुटेबल है इस वायरस की ग्रोथ के लिए, जिससे काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब देखो, रशिया ने एक वार्निंग दी है और कहा है कि जो वेस्ट नाइल वायरस है, इसके इन्फेक्शन में अचानक से क्या है, तेजी आई है। कहाँ पे? ऑटम यानी कि शरद ऋतु में, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर माइल्ड होती है और तेज और हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत तेज बारिश होती है, जो कि एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है इन मॉस्क्यूटो कैरियर, क्या चीज के लिए, वायरस के लिए। और ये जो वेस्ट नाइल वायरस है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर है, इसका जो संवाहक है, वो क्या है, मच्छर यानी कि मॉस्क्यूटो, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वेस्ट नाइल वायरस जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर सकती है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि हमारे तंत्रिका पे प्रभाव करता है। अगर ये कभी भी पूछा जाए कि जो वेस्ट नाइल वायरस है ये बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करती है, तो आप बताओगे न्यूरॉन्स को। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और ये ट्रांसमिट होता है, इसका संक्रमण जो होता है वो किसके थ्रू होता है, विद द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ये ध्यान रखना है, जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है इसके काटने से, ऐसा मच्छर जो खुद संक्रमित है वेस्ट नाइल वायरस से, जब ये आपको काटेगा तो आपको इसका संक्रमण हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग। और मॉस्किटोज ट्रांसमिट दिस वायरस बाय बाइटिंग एन इन्फेक्टेड बर्ड एंड देन बाइटिंग अ पर्सन। और ये जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, इसके बॉडी में ये वायरस कहां से आता है, तो आप देखो, अगर कोई इन्फेक्टेड पक्षी है, समझो इस बात को, अगर इन्फेक्टेड बर्ड को किसी क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो ने बाइट किया है, तो पहले मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड होगा, और फिर जब ये मॉस्क्यूटो किसी पर्सन को बाइट करेगा तो पर्सन इन्फेक्टेड होगा। तो बर्ड टू मॉस्क्यूटो एंड मॉस्क्यूटो टू पर्सन। प्लीज डू रिमेंबर दिस लाइनेज कि जो वेस्ट नाइल वायरस का संक्रमण है वो पक्षी से मच्छरों में होता है और फिर मच्छरों से व्यक्ति में होता है। और इस वेस्ट नाइल वायरस के आप कह सकते हो ब्रीडिंग के लिए, इसके प्रजनन के लिए आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि हल्के तापमान और भारी वर्षा वाले मौसम की आवश्यकता होती है। यही वो अनुकूल परिस्थिति है, यही वो फेवरेबल कंडीशन है जो इस वेस्ट नाइल वायरस को प्रमोट करने में, इसको ब्रीड करने में एक अहम भूमिका निभाती है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैज्ञानिकों का मानना है कि जो माइल्ड टेम्परेचर होती है, और जो जो कि आजकल कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण से हो रहा है, ये इस डिजीज को और भी वर्स बना सकती है और ये पूरी तरीके से पूरे विश्व में फैल सकता है। ये जो वेस्ट नाइल वायरस है, ये मूल रूप से कहां से, अफ्रीका से, और इसके बाद ये वायरस कहां पे फैला, यूरोप में, फिर एशिया में, और फिर नॉर्थ अमेरिका। तो अफ्रीका से इस वायरस का ट्रांसमिशन कहां पे हुआ है, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। ध्यान रखना है, जो वेस्ट नाइल वायरस है ये ओरिजिनली अफ्रीका से है, और इसका संक्रमण वहां से यूरोपीय देशों में, फिर एशियाई देशों में, और फिर उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में हुआ है। एंड इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट, और ये मच्छर के काटने से फैलता है। और कौन से मच्छर सर, तो बताओगे क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसको आपको भूलना नहीं है। मोर देन 80% ऑफ रशियाज वेस्ट नाइल फीवर केसेस आर रिकॉर्डेड इन द साउथ वेस्ट रीजन। और अफ्रीका में ये जो पश्चिमी नील बुखार है, इसके सबसे अधिक मामले कहां पर आए हैं, दक्षिण पश्चिम रशिया में। ये ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम रशिया में, इसको ध्यान रखना है। और वेस्ट नाइल वायरस केसेस जो है वो मोस्टली अकर ड्यूरिंग द मॉस्किटो सीजन, जहां जिस समय में, जिस मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ती है, मच्छरों की आबादी बढ़ती है, उस मौसम में ये बीमारी ज्यादा तेजी से क्या करता है, फैलता है, ठीक है ना, जो कि समर्स यानी कि गर्मियों में स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यूज थ्रू इट्स फॉल। और जब तक विंटर ना आ जाए तब तक ये बीमारी, तब तक ये संक्रमण लगातार क्या है, तो आप बताओगे फैलता रहेगा। इसको प्रिवेंट कर, इसके रोकथाम के लिए ना कोई वैक्सीन है, ना कोई मेडिसिन है, ठीक है, जो जिससे कि आप ऐसे लोगों को प्रिवेंट कर सकते हो जो वेस्ट नाइल वायरस से कॉन्टेमिनेटेड है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और हर 5 में से एक व्यक्ति जो इस वेस्ट नाइल वायरस से इन्फेक्टेड है, उनके अंदर बुखार होगा, ठीक है ना, इसके अलावा और भी अन्य सिम्टम्स देखने को मिलती है। एंड अबाउट 1 out of 150 इन्फेक्टेड पीपल डेवलप अ सीरियस एंड समटाइम्स फेटल इलनेस। और हर 150 में से एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं, और कभी कभी ये इतनी घातक बन जाती है, इतना सीरियस हो जाता है कि लोगों की मौत भी हो सकती है, इसको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं मैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्डर पर्सन है, जो बच्चे हैं, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो सबसे ज्यादा इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो दोज पीपल हु आर ओल्ड, हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ चाइल्ड एज वेल एज हैव द वीक इम्यून सिस्टम आर मोर प्रोन टू द वेस्ट नाइल वायरस, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आपको ले चलता हूं घुमाने के लिए। आपको पता है
कि ये जो टॉय ट्रेन है ये इंडिया में कहाँ का फेमस है, तो आपको पता है दार्जिलिंग कहाँ पे है, दार्जिलिंग जो कि कहाँ पर है, तो आपको बता दूं मैं पश्चिम बंगाल में। अब आपको पता है कि जो कोविड पेंडेमिक है इन्होंने सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किया है तो टूरिज्म सेक्टर को, जिसपे कई सारे परिवारों की जो जीविका है या जो लाइवलीहुड है वो क्या होती है, सस्टेन होती है, उनकी जीविका आधारित है। तो अब इस कोविड-19 हिट जो एरिया है जिससे कि टूरिज्म सेक्टर को प्रभाव पड़ा है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी ये एक इनिशिएटिव ली गई है। देखते हैं क्या है ये। जो भारतीय रेलवे है इन्होंने कहा है कि जो भी कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र है वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक लॉन्च किया है डिसाइड करने के लिए कि रेगुलर बेसिस पे एक जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी जो है सिलीगुड़ी जंक्शन से लेकर के रोंगटोंग स्टेशन तक चलाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है भारतीय रेलवे ने यह तय किया है कि जो भी कोविड इफेक्टेड टूरिज्म सेक्टर थे या कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र थे, जो एरियाज थे वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव की ली गई है। कहां पे, वेस्ट बंगाल में, जहां पे सिलीगुड़ी जंक्शन से लेकर के और पश्चिम बंगाल के रोंगटोंग स्टेशन से, ये इंपॉर्टेंट है कहां से कहां तक तब बताओगे, सिलीगुड़ी से लेकर के रोंगटोंग तक, ये रूट पूछ सकता है कहां से कहां तक, सिलीगुड़ी से लेकर के रोंगटोंग तक एक नियमित जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। जो भारतीय रेलवे की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहां पे है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ये कहां पर है, तो आप बताओगे गुवाहाटी में, ये कहां पर है, गुवाहाटी, और कहां पर, असम में, ये ध्यान रखना है। तो भारतीय रेलवे की जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है विच ऑपरेट्स द वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हैज अनाउंस द न्यू सर्विस। और ये जो नई सेवा शुरुआत की जा रही है टी टॉय ट्रेन सफारी की, ये किसके द्वारा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर जोन के द्वारा, जो कहां पर है, गुवाहाटी में। ये जो टॉय ट्रेन है जो ऑलरेडी इस रूट पे चल रही है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया था 1999 में। और ये जो हेरिटेज ट्रेन है ये स्टीम इंजन और साथ ही साथ जो याद रखना है डीजल इंजन, मॉडर्न डीजल इंजन, इन दोनों पे ऑपरेट होती है। और इसको बनाया गया था 1889 से 1927 के बीच में, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कहीं ना कहीं टूरिज्म को बहुत तेजी से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। रेलवे ऑफिशियल्स इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए इस रेगुलर टॉय ट्रेन सर्विसेज के द्वारा, जो कि लगभग सस्पेंडेड है 1.5 साल से, 1.5 ईयर्स से, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक इन द कंट्री। और टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं ब्रेक ब्रेक टेकिंग ब्रीथ टेकिंग व्यूज ऑफ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द हिल्स फ्रॉम द टॉय ट्रेन। और ये जो टॉय ट्रेन का रूट है इसके द्वारा जो पर्यटक है वो महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य और पहाड़ियों के लुभावने दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इस न्यूज को पढ़ के ही मन कर रहा है कि सफारी करने चला जाओ, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा आप लोगों को। नहीं तो मेरा तो मन है कि भाई कल ही निकलो और इस सफारी पे चले जाओ। और इसकी जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दी गई है तो ये जो टॉय ट्रेन है ये आपको मनोरम दृश्य दिखाएगा। किस चीज का, तो महानंदा, आपको पता है महानंदा जो है ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक है किसकी, गंगा की। और जो दार्जिलिंग शहर है, सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी है, किशनगंज है, कटिहार है, मालदा है, ये सब किस पर है, महानंदा पे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं दारा शिकोह के बारे में। आज का जो स्टैटिक सेगमेंट है इसमें हम लोग बात करेंगे दारा शिकोह, जो कि एक बहुत ही लर्नेड किंग था, ठीक है ना, और ये बेटे थे किसके, शाहजहां के। और दारा शिकोह को ही शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था मुगल सल्तनत का, लेकिन इसके छोटे भाई हैं औरंगजेब, इन्होंने इसको हरा करके और मुगल सल्तनत की जो गद्दी थी उसको क्या कर लिया था, हासिल कर लिया था। अब सरकार क्या सोच रही है इनके बारे में वो देखो। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू लोकेट द ग्रेव ऑफ द दारा शिकोह। जो संस्कृति मंत्रालय है इन्होंने हाल ही में दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है इसके 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यानी कि हमें यही नहीं पता है कि इनकी जो कब्रगाह है, इनका जो कब्र है वो कहां पर, दारा शिकोह का कहां पर है। सरकार कहती है कि ये इनको डिस्क्राइब किया गया कि एक लिबरल मुस्लिम थे जिन्होंने अपने साहित्यिक संस्कारों के द्वारा या साहित्यिक रचना के द्वारा या लिटरेरी सोर्सेज द्वारा कोशिश की थी कि ये एक कम्युनिटी फाइंड कर सके हिंदू और इस्लाम ट्रेडिशंस के बीच में। ये एक उदार मुस्लिम थे, उनको इस उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया गया जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की है।
इट मीन्स इट इज कंप्लीटली टोल्ड दैट कि दिस दारा सिंह को हु वाज द सन ऑफ शाहजहां ही ट्राइड टू फाइंड कॉमनलिटीज यानी कि ट्राइड टू फाइंड अ कॉमन लिंकेज बिटवीन द हिंदू एज वेल एज द इस्लाम ट्रेडिशन. और इसी कारण से सरकार ये कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक सेवन मेंबर का एक पैनल बनाया है ASI के लोगों को मिला करके, जिसको कहा गया है कि आप दारा सिंह के कब्र को क्या कीजिए, लोकेट कीजिए. 1655 में हिज फादर डिक्लेयर्ड हिम द क्राउन प्रिंस बट वॉज डिफीटेड बाई औरंगजेब हिज यंगर ब्रदर इन 1650 यंगर ब्रदर औरंगजेब एंड इन 1657 आफ्टर शाहजहां फेल इन. आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां ने अपने जीती जिंदगी इनको सुल्तान घोषित किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको आकर के हराया और गद्दी क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी. इनको मारा गया था औरंगजेब के द्वारा इन अ बीटर स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ऑन 30th August 1659 व्हेन ही वाज 44. कोई मुझे बता सकता है कि दारा शिकोह को किस युद्ध में औरंगजेब ने हराया था? एनीवन हु कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन. आप लोग इतिहास पढ़ते हो, कोई मुझे बता सकता है कि औरंगजेब के द्वारा 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह को किस युद्ध में हराया गया था? दारा शिकोह को, ठीक है ना, औरंगजेब के द्वारा किस इंपॉर्टेंट युद्ध में हराया गया था? प्लीज गो फॉर द आंसर, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई. एनीवन, कौन सा युद्ध था वो, ये मैंने पूछा है आपको. 30 अगस्त 1659 को, 30 अगस्त 1659 को वो कौन सा युद्ध था जिसके अंदर दारा शिकोह को हराया गया था? किसके द्वारा? तो आप बताओगे औरंगजेब, और औरंगजेब का साथ दिया था मुराद बख्श ने. औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर के दारा शिकोह को हराया था. और मैंने पूछा है कि वो कौन सा बैटल था जहां पे इनको हराया गया था. ये सामूगढ़ था या धर्मत था? सामूगढ़ या धर्मत, तो आप बताओगे बैटल ऑफ सामूगढ़. इनके सो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उसमें क्या था, मजमा उल बहरेन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, सिर ए अकबर, ग्रेट मिस्ट्री एंड डिवोटेड टू द कॉज ऑफ स्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम. तो हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच में समानता को स्थापित करने के लिए इनके दो सबसे महत्वपूर्ण, इनके दो सबसे महत्वपूर्ण जो राइटिंग्स थी वो कौन कौन सी थी? तो मजमा उल बहरेन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस. ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कल्चरल चीजों की. मजमा उल बहरेन और साथ ही सिर ए अकबर, मजमा उल बहरेन, सिर ए अकबर, मजमा उल बहरेन, सिर ए अकबर. जितने लोग लाइव हैं प्लीज एक बार जितना संभव हो सके, पहला सामूगढ़ होगा, पहला सामूगढ़ का बैटल होगा, फिर आपका देवराय का बैटल होगा, ये ध्यान रखना है. पहला सामूगढ़ होगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वन नाइटर्स की. जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान. जो अफगानिस्तान क्राइसिस चल रही है, जो अफगानिस्तान का संकट चल रहा है, इस पे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इन्होंने भारत की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया है और कहा है कि पूरे विश्व को एकजुट होकर के कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को तालिबानियों के इन्फ्लुएंस पे कैसा रोका जाए, उस पे काम करना चाहिए, उस पे पॉलिसी को ड्राफ्ट करनी चाहिए. इस न्यूज को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा डिफेंस बुलेटिन में, ठीक है ना. इसके बाद आपको ध्यान रखना है लैथम्स स्नाइप बर्ड्स हैव लॉस्ट देयर वेटलैंड हैबिटेट to development and other pressures putting this tough little bird at risk. They fly non-stop from Japan to Australia twice in a year. Latham ke snip pakshiyon ne vikas aur anya dabavon ke karan apna aadrbhumi awas kho diya hai, jisse is kathin chote pakshi ki jokhim mein dal diya gaya hai. Ve saal mein do baar Japan se Australia ke liye non-stop uran bharte hain. Agar pucha jaye wo kaun sa bird hai jo Japan se Australia tak saal mein do baar bina thake bina ruke लगातार उड़ती रहती है, तो क्या नाम है? लैथम्स. लैथम की स्नाइप बर्ड, उसका नाम क्या है? स्नाइप बर्ड. ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा बर्ड है? स्नाइप बर्ड. तो कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण से, डेवलपमेंट वर्क के कारण से ये अपने हैबिटेट को लगातार क्या कर रही है? लॉस कर रही है. इसके बाद आपको ध्यान रखना है
जो केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल द थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर, घड़ियाल एंड मगर्स आर फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो उड़ीसा का केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है, समझिए इस बात को, जो उड़ीसा का हमारा केंद्रपारा जिला है, ये एकमात्र जिला है भारत का जहां पे, आपको बता दूं मैं कि मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां, जो खारे पानी की प्रजाति है, जो घड़ियाल है और मगर है, ये तीनों ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, प्लीज डू रिमेंबर, जो केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, इट हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जहां पे मगरमच्छ के तीनों ही स्पेसीज मिलती है। कौन कौन सी? सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर, इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए, अ सर्ज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द ग्राउंड स्वेलिंग एट द सदर्न पार्ट ऑफ द क्रेटर वॉज नोटिस्ड एट हवाई किला किलियू वॉल्केनो, ठीक है ना। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में क्रेटर के दक्षिणी हिस्से में भूकंप की लहर और जमीन में सूजन देखी गई है। आप देखो ऑलरेडी जो लुइसियाना है वहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो आप बताओगे ईदा हरिकेन आ रही है। इसके साथ साथ ये जो हवाईयन आइलैंड है पैसिफिक के अंदर, जो कि 50th प्रोविंस है अमेरिका का, यहाँ पे जो किलाउआ ज्वालामुखी है, इसके आसपास देखा जा रहा है कि अर्थक्वेक्स भी ओरिजिनेट कर रही है। तो अमेरिका तो घोर संकट में है, अफगानिस्तान से लेकर के और प्रकृति तक इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसकी वॉट लगा रहा है, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना हैज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू 9 न्यू जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना है कि भारत के जो 48 CJI है, भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमना, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई, यानी कि 9 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में लाए गए हैं। इनमें से 3 क्या हैं? महिलाएं हैं। 3 क्या हैं? महिलाएं हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बार हम लोग टोक्यो पैरालंपिक्स के मेडल लिस्ट पे ध्यान देते हैं। चाइना सबसे टॉप पे चल रहा है 59 गोल्ड के साथ। ग्रेट ब्रिटेन किस पे चल रहा है? 29 पे। आरपीसी जो है वो 25 पे। और इंडिया की रैंकिंग क्या चल रही है? 30th चल रही है। 2 गोल्ड 5 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज टोटल 10, ठीक है ना। तो इंडिया की रैंकिंग अभी पैरालंपिक्स में क्या चल रही है? 30th रैंक पर भारत है। और इस रैंकिंग को डोमिनेट कौन कर रहा है? चाइना और ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों। आज दोपहर 1 बजे, Today at 1 PM, प्लीज डू रिमेंबर, आज दोपहर 1 बजे इसी ऑनलाइन बेंचर्स के यूट्यूब डिफेंस चैनल पे मेरे साथ आप लोग जुड़िएगा जरूर सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। जितने बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको आज दोपहर 1 बजे लाइव आना है मेरे साथ इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या लेवल होता है सीडीएस के क्वेश्चन का। मैं वो केवल प्रीवियस ईयर करा रहा हूं उस पर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन लाइव। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार। और प्लीज आप लोग हर सुबह 8 बजे इस सेशन के लिए आ जाया कीजिए, नोटिफिकेशन आपको दी जाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ऑनलाइन बेंचर्स का, तो उसको ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मंडे टू सैटरडे आप मेरे साथ एक्सप्रेस 365 को एंजॉय कीजिए, और आपका जो लेवल है स्पेशली करंट अफेयर्स में वो बिल्कुल बेहतरीन हो सकता है अगर आप कंटिन्यू हो इस सेशन के ऊपर तक। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।